अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कीमा पास्ता की रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इसे देखें कि कैसे बनाना है और मैं इसकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से नोट करवा देती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी चूल्हे को फुल हीट पे कर लें और इसमें आप तेल डाल लें, तकरीबन 5-6 खाने के चम्मच, यानी पूरी तय में थोड़ा थोड़ा तेल होना चाहिए। अभी थोड़ा लग रहा है, पूरी तय में थोड़ा सा तेल हो तो फिर आप इसमें अनियन, ये 1.5 अनियन है, अगर आपके पास ज़रा छोटे हैं तो आप 2 ले लें। तो अब हम इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। आप देख सकते हैं 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 2-3 करी पत्ता, ये छोटे वाले हैं, अगर बड़ा हो तो बस 1 डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी का पीस, 5 लौंग हैं और तकरीबन 11 काली मिर्च है और 1 बड़ी काली मिर्च है। तो ये सारे डाल के ताकि इसकी खुशबू भी तेल में शामिल हो जाए। और कीमा मैंने चिकन का लिया है 1 kg। तो ये देख लें आप, 1, 2, तो ये 2 जिंजर एंड गार्लिक के हो गए। तो अब हमें इसे उस वक्त तक भूनना है जब ये हल्का सा इसको कलर आना शुरू हो जाए, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसमें अपना कीमा ऐड कर देंगे। 1 kg चिकन का कीमा है मेरे पास, मैंने धो के उसे सीप में डाल दिया ताकि उसका अच्छे से पानी निकल जाए। ये कीमा पास्ता तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, हालांकि बच्चों को शिकायत होती है बहुत सी चीज़ों से, लेकिन ये एक ऐसी डिश है जो बच्चे भी भाग के कहते हैं कि हमें बना दो। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आप फैमिली में बनाएं, बच्चे तक भी इसे शौक से खाते हैं। अब ये माशाल्लाह देखें जी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, ये देख लें आप। तो अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें कीमे को, और मिक्स करके हमें इसे 2-3 मिनट के लिए ढक देना ताकि इसका सारा पानी निकल आए, इससे पहले कि हम इसमें और नमक मिर्च डालें। अगर आप ऐसे हिलाएंगे नहीं ना तो फिर इसकी वो जो जैसे होता है ना कि कोफ्तों की तरह, वैसे कीमा जुड़ा जुड़ा सा रह जाएगा। तो आपको इसे अच्छे से मसाले में हिला देना है। तो चलें अब मैं इसको ढकती हूँ तकरीबन 2-3 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको अच्छे से हिला देते हैं और इसमें सारे मसाले डाल देते हैं, क्योंकि अब इसमें पानी छोड़ दिया, अब आप अगर मसाले ऐड करेंगे तो फिर वो जलेंगे नहीं। कीमे में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका खुद का पानी काफ़ी होता है, हमने धोया भी है कुछ को, वो भी पानी बीच में होता है और चिकन को इतना टाइम ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें मसाले में जो डालने जा रही हूँ वो 1 भर के टीस्पून है तंदूरी मसाले का, इंडस का, 1/2 टीस्पून रेड चिली नॉर्मल, 1 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, ये ऑप्शनल है, ये देगो में डाली जाती है, इसका कोई जायका नहीं होता, इसकी खुशबू होती है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो कोई ख़ास बात नहीं। और 1/4 टीस्पून है टर्मेरिक का, ये सब डाल दें।
इसमें दो टमाटर बड़े मैंने ऐसे बीज निकाल दिए हैं, तो वो डाल दें, फिर हम बाद में इसका पील भी निकाल लेंगे। अब आप इसे अच्छे से माशाल्लाह हिलाकर और उनको तोड़ के जो जरा इकट्ठा हो जाता है ना कीमा, उसे अच्छे से डोई की मदद से ऐसे करके ताकि वो मोटा मोटा सा ना लगे, ऐसे करके आप इसे ढक दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए माशाल्लाह पकाएं, लेकिन बीच में आके दो तीन दफ़ा इसको हिला दें डोई की मदद से कहीं नीचे ना लग दें, मीडियम आँच कर दें और दो तीन दफ़ा आके बीच में आप चेक कर लें, हिला दें कि पानी ख़त्म ना हो जाए या कोई भी ज़्यादा आँच ना हो। अगर ऐसा हो तो आप फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। तो अब मैं इसको मीडियम आँच पर हाफ एन आवर के लिए रख रही हूँ। तो चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, तो चले हम देखते हैं। मैंने एक दो दफ़ा बीच में हिलाया था और अभी पानी माशाल्लाह काफ़ी है, देख सकते हैं आप, पानी माशाल्लाह काफ़ी है, शुडन्ट बी एनी प्रॉब्लम। तो अभी तो ये यकीनन कच्चा है, तो अब हम इसको फिर अच्छे से देख लेते हैं, अगर कोई कीमा जुड़ा रह गया है तो उसको फिर आप ऐसे डोई की मदद से उसको तोड़ दें ताकि ये बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो अब हम इसको फिर तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक देते हैं और इसके दौरान फिर आप एक दो दफ़ा लाजमी बीच में चेक कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया माशाल्लाह, और तो अब हम इसको चेक करके भूनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये कीमा है तो ज़ाहिर है ये ज़रा सख्त हो जाता है, फिर इसमें आप ना ये सारे ऐसे आप खड़े मसाले हर चीज़ ऐसा ऐसा निकालते जाएंगे। जब हम इसकी बुनाई करेंगे ना साथ साथ हम इन चीज़ों को निकालते जाएंगे जैसे जैसे ये ऊपर आती जाएंगे ना, क्योंकि इनका पूरा टेस्ट अंदर चला गया है। तो आप देख लें जी, ये हाफ कप योगर्ट है, बिस्मिल्लाह, ऐसे हिला दें। तो चार हो गई ग्रीन चिली, तीन बुलेट चिली और दो स्प्रिंग अनियन। आप चाहें तो ज़्यादा भी डालने स्प्रिंग अनियन। अब इसको आप तेज आंच पे कर लें और माशाल्लाह इसको भूनते रहें। 15-20 मिनट हम इसको भूनेंगे और साथ ही फिर हमने इसमें वेजिटेबल्स और ऐड कर देनी है। अब हम दूसरी तरफ अपना पानी उबलने के लिए ना रख दें, तकरीबन 5-6 कप डाल के ना किसी हंडिया में, तो पानी उबलने के लिए रख दें 5-6 के लिए, ताकि जब तक हमारा ये भून हो तो वो पानी भी तैयार हो जाए। तो चलो मैं इसको अब 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ फिर, क्योंकि मैं वेजिटेबल भी साथ ही भूनूंगी। ये थोड़ा सा मैं भून लूँ तो बाकी भी वेजिटेबल डाल के बाकी भूनेंगी। अब देखते हैं, हमने 5-6 मिनट के लिए इसे भून दिया है और मैंने साथ ही इधर पानी भी रख दिया है पास्ते के लिए। तो इसमें तेल ऐड कर दें 2-3 खाने के चम्मच और कुछ भी नहीं डालना है, नमक भी ना डालें, क्योंकि अगर सालन में नमक पूरा हो ना तो फिर पास्ते में ज़रूरत नहीं होती, फीका ही बेहतर है। आप इसके ऊपर अब ढक्कन लगा दें, जब ये उबलने लग जाएगा तो हम इसमें पास्ता डाल देंगे। तो अब हम आते हैं अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। एक बड़ा आलू लिया है मैंने और 3 कैरेट्स हैं बारीक बारीक काट लिए, इन सबको ऐड कर दें। ये हैं जी मटर, तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी में ताज़े मटर मैंने निकाल लिए, तो इनको ऐड कर दें। अब हम इनको भी साथ ही भूनेंगे। आधा ये भूनने में पक जाएंगी और फिर अगर दम की ज़रूरत होगी तो हम थोड़ी देर के बाद में अच्छी तरह भून के 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो इसको तकरीबन मैं 5-6 मिनट के लिए, बल्कि 10 मिनट के लिए भूनती हूँ और आप लगातार इसको चलाते जाएंगे और तेज़ आँच रख लें। उसके बाद ये है कि तेज़ पे ही आपने इसको भूनना है, जब अच्छे से तेल अलहदा हो जाएगा फिर हम इसको 5 मिनट का या 3 मिनट का दम देंगे। अगर
वेजिटेबल थोड़ी सी खड़ी लगी तब, अदरवाइज देर इज नो नीड। तो चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं हमारा पानी उबलने लग गया, तो अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर देती हूँ। पास्ता मैंने दो तरह का लिया है, आप कोई सा भी ले लें। एक मैंने जो लंबे वाला होता है ये स्पैगेटी वाला लिया, और ये लिया शेल्स जो होते हैं। तो दो तरह का मैंने उसको दो दो पीसेस कर दिए ऐसे करके, आप दो तीन तरह का भी डाल सकते हैं। तो अब इसको करना क्या है कि इसको तकरीबन 7-8 मिनट कम से कम हमें पकाएं, फिर आप एक पीस चेक करके देख लें। लेकिन मेक श्योर कि ज़्यादा भी ना पक जाए, क्योंकि वो भी फिर टेस्ट नहीं अच्छा आता, लेकिन कच्चा भी ना रहे। 7 से 8 मिनट ही उन्होंने लिखा होता है ऊपर, लेकिन फिर भी आप एक मुँह में डाल के देख लें कि ठीक हो गया, तो फिर बंद कर दें और इसको सिद्ध में निकालें। तो चलिए इसको ढक देते हैं, हम मिलते हैं 8 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं हमारा पास्ता माशाल्लाह तैयार है, मैंने एक पीस खा के देखा है। तो अब ये बिल्कुल सही कुकते है, अगर मैं इसे और रख दूँगी तो एक्स्ट्रा कुक हो जाएगा, फिर इसका जायका नहीं रहेगा। तो अब मैं इसे सिप में निकालने लगी हूँ। कीमा मैं अभी भी भून रही हूँ, उसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, लेकिन अभी वो भूननी अच्छी तरह, उसका तेल अलहदा नहीं हुआ, पूरी भुनाई नहीं हुई। तो उसको मैं तकरीबन 5-6 मिनट और भून के फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसको मैंने 5 मिनट और भुना है, भुनाई इसकी अब काफ़ी अच्छे से हो गई है। तो अब मैं इसको ना तकरीबन 2-3 मिनट के लिए रखूँगी दम पे, लेकिन आपने हर 1 मिनट के बाद इसको चम्मच से हिलाना है, क्योंकि मैं आँच थोड़ी तेज़ ही रखूँगी इसकी, कम नहीं करने लगी, ताकि जो आलू हल्का सा खड़ा है वो भी बिल्कुल गल जाएगा, और बाकी भुनाई जो इसकी बाकी बची है वो भी साथ साथ हो जाएगी। तेज़ पे रख के या आप इसको 2 से 3 मिनट का दम देंगे, लेकिन साथ में 2-3 दफ़ा बीच में चलाते जाएंगे। तो चले मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। अब इसको जी 2 मिनट हो चुके हैं दम पे, और माशाल्लाह इसका आलू चेक कर लेते हैं। एक आलू तोड़ के देख लें आप, माशाल्लाह बिल्कुल टूट रहा है, सो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब आप इसमें अपना ग्रीन स्टफ डाल दें, फ्रेश कोरिएंडर, 1 टेबल स्पून ऑफ ड्राई मेथी और 1 टी स्पून ऑफ क्रश जीरा। अब ये सब कुछ डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये माशाल्लाह तैयार है एंड इट्स वेरी टेस्टी। अभी मैंने इसका चेक किया है, अब अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपना पूरा कर लें। नमक मैं हमेशा थोड़ा सा कम इसीलिए रखती हूँ, क्योंकि नमक तेज़ हो जाए तो फिर आपको पता बड़ी मुश्किल से उसको कम करना होता है, या तो प्याज डालें या आलू डालें, कोई ना कोई फिर ऐसे मसले मसाइल आते हैं। तो नमक को हमेशा आप कम ही रखें, मिर्च तेज़ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वो तो बंदा खा लेता है, उसका इतना मसला नहीं होता। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये तैयार है। तो अब ये पास्ता भी मेरा तैयार है, अब आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके हंडिया में मिक्स कर लें, लेकिन मैं प्लेट में पास्ता अलहदा से डाल के, जैसे चावलों पर सालन डालते ऐसे कीमा ऊपर डाल के आप इस तरीके से खाएँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये आप करीब से अब अच्छे से देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी शक्ल, के भूनने के बाद इस पर प्रॉपर कलर आपको नज़र आ रहा है, बुनाई नज़र आ रही है। सो दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। अगर ये थोड़ा सा कच्चा रह जाए या अच्छे से बुनाई ना हो तो फिर इसका उतना मज़े का जायका नहीं आएगा। तो प्लीज़ आपको इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।